हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु रागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं बेटा, सभी छात्रों का और जितने भी भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी छात्रों को भाई पता होना चाहिए कि भाई हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम इस समय चल रहा है। और भाई नंबर सिस्टम की बेटा दो क्लास कम्प्लीट हो चुकी हैं। और भाई दो क्लास में मैंने क्या कराया था आपको बेटा, दो क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स की नॉलेज दी थी। फैक्टर्स के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनते हैं, जितने भी टाइप के बने हैं, वो मैंने भाई सारे के सारे कराए जो प्रीवियस मेंस में आ चुके हैं भाई सीजीएल में, ठीक है। तो माय डियर, आज की क्लास भाई हमारी रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो बेटा आज की क्लास क्या रहेगी भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो देखिए, चलो भाई मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है भाई, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण चलेगा बेटा आज। तो भाई मैं आपको संख्याओं के बारे में बेटा डिटेल बताऊंगा और जो मैं यहां पर जो भी पॉइंट क्लियर कराऊं वो भाई साथ ही साथ क्लियर करते चलना, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई वो नोट करते चलना, ठीक है। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण मैं कैसे करूंगा, देखिए स्टार्टिंग भाई सबसे पहले बेटा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को भाई मैं टू पार्ट में डिवाइड करूंगा। और भाई टू पार्ट में डिवाइड मैंने किया तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं भाई सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है बेटा, हमारा वास्तविक संख्या। क्या होता है भाई, वास्तविक, ठीक है बेटा। एक तो रियल पार्ट और एक होता रहा हमारा इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं काल्पनिक। अब सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया ना भाई। बेटा मैं यहाँ पर भाई जो भी पॉइंट बताऊंगा साथ ही साथ क्लियर करते चलना और भाई मैं एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से बताता चलूंगा। तो बेटा हमारा सम्मिश्र संख्या क्या होती है ये देखिए। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले जेड से रिप्रेजेंटेट करते हम। अब सुनिए, तो बेटा जेड बराबर होता है ए प्लस माइनस हो या वी आइटा। आइटा का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारा पार्ट होता है भाई रियल और ये हमारा पार्ट होता है इमेजिनरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा वास्तविक है और ये हमारा काल्पनिक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई यहाँ पर 3 + 4 आइटा ऐसे लिखा है, तो बेटा ये तो भाई रियल नंबर है 3 और ये हमारा होगा काल्पनिक नंबर, ठीक है भाई। क्या होगा बेटा, काल्पनिक संख्या और ये होगी हमारी वास्तविक संख्या, दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, सम्मिश्र संख्या। समझ गए, ये पार्ट आप टेक्निकल में पढ़ते हो। तो बेटा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, जैसे इस संख्या का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोलते हो परिमाण, ठीक है। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं क्या 3 + 4 आइटा का मैग्नीट्यूड क्या कीजिए, तो बेटा क्या होगा, अंडर रूट में ए, भाई क्या है 3 है यहाँ पर, ए स्क्वायर बोले तो
तीन का वर्ग प्लस बीस का बोले तो चार का वर्ग कितना हो गया बेटा, नौ प्लस सोलह और ये हो गया पच्चीस और ये माय डियर कितना आया बताइए, पाँच। तो भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए बेटा, पाँच। समझ में आ रहा है ना भाई, एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करते चलना, ठीक है माय डियर। अब सुनिए, देखो मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखिए बेटा, जो मैंने यहाँ पर रियल नंबर लिखा है और काल्पनिक संख्याएं, तो भाई काल्पनिक संख्या क्या होती हैं ये देखिए बेटा, काल्पनिक संख्या जिनकी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसी संख्या होती जैसे अनरूट माइनस वन होता या अनरूट माइनस टू होता या अनरूट माइनस थ्री होता, ये संख्या हमारी क्या कहलाती है भाई, काल्पनिक संख्याएं। समझ गए क्या कहलाएंगी बेटा, काल्पनिक संख्याएं। अब सुनिए, तो भाई ये यहाँ तक ही सीमित है, मैं आपको बता दूं आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपके यहाँ तक आएगा, अगर इससे आगे आएगा तो भाई वो हमारा टेक्निकल पार्ट होगा। अब सुनिए, अब हम चलेंगे रियल नंबर पर, ठीक है। और रियल नंबर को भाई देखो, संख्या को हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे मैं रियल नंबर को दो पार्ट में परमेय अपरमेय में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं भाई यहाँ पर इंटीजर पार्ट में करूँगा, किस में करूँगा बेटा, रियल नंबर को इंटीजर बोले तो पूर्णांक, पूर्णांक में भाई करूँगा मैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अगर कोई हमारी ये लाइन है और जिस पर ये बिंदु बने हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो भाई ये हमारी क्या कहलाएंगी बताओ, ये बेटा हमारी पूर्णांक सेल वैल्यू कहलाएंगी। माइनस की हो तो भी हम इन्हें पूर्णांक वैल्यू का दर्जा देंगे। समझ गए माई डियर, अब सुनिए। तो बेटा मैंने रियल नंबर को पूर्णांक और एक पार्ट और होता है डेसिमल, क्या होगा भाई डेसिमल, डेसिमल बोले तो दशमलव, मतलब इंटीजर पार्ट पूर्णांक में और डेसिमल में दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, किसको भाई रियल नंबर को, समझ गए वास्तविक संख्या को। यहाँ तक कर सकते हो, देखो भाई मैंने यहाँ तक बताया, जैसे जैसे मैं बताऊंगा बेटा वैसे ही वैसे आप पार्ट बाई पार्ट करते जाओगे, ठीक है भाई। अब सुनिए, इसे रब कर दो ना, ठीक है, नोट करते चलना बेटा, अच्छी तरह समझते चलना। अब देखिए माय डियर, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर वाला पार्ट कराता हूँ आपको, इंटीजर की पूरी एक्सप्लेन करूँगा भाई। देखिए अब बेटा इंटीजर को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, कितने में, तीन पार्ट में, वन और ये टू और ये थ्री, बोले तो नेगेटिव इंटीजर, बोले तो जीरो, बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मैंने धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो में मैंने कर दिया, ठीक है, तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया भाई, ध्यान रखना। अब सुनिए बेटा, पॉजिटिव, देखो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे माइनस इनफिनिट, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, ये भाई माइनस की वैल्यू है, तो ये नेगेटिव क्या कहलाएंगी, इंटीजर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इन्हें भाई पॉजिटिव इंटीजर कैसे, जैसे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये रह गया भाई जीरो, जीरो बेटा हमारा नेगेटिव, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं भाई उदासीन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जीरो हमारा ना तो नेगेटिव में आता है और ना पॉजिटिव में, समझ गए। चलो
यहां तक आ गया ना समझ में। अब सुनिए, लेकिन बेटा अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को मिला दूं, मतलब जीरो प्लस इनको जो पूर्णांक वैल्यू हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को मिला दूं, तो भाई ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? होल नंबर, बोले तो पूर्ण संख्याएं। अब सुनिए बेटा, पूर्ण संख्या हमारी जो है जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एक दो तीन कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बेटा जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर दोनों मिलाकर बोलते हैं होल नंबर्स। क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत बताइए माय डियर। अगर इन दोनों पार्ट्स को मिलाओगे तो ये बनेगा, लेकिन ये अकेला पार्ट्स क्या कहलाएगा? जो पॉजिटिव इंटीजर है इसे हम बोलेंगे भाई क्या? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल नंबर्स, बोले तो प्राकृतिक संख्याएं। अब सुनिए माय डियर, ये तो भाई हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं? जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे एक दो तीन चार कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। भाई इनमें और इनमें एक ही अंतर है क्या? ये तो जीरो से और ये एक से, ठीक है। आ गया ना समझ में? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ भाई। बेटा यहाँ तक इंटीजर को मैं ऐसे भी भाई पार्ट्स में बांट सकता हूँ। अब सुनिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप सुनिए बेटा। सेकेंड स्टेप भी भाई हमारा बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को अभी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो में डिवाइड किया, तो भाई मैं इंटीजर्स को यहाँ पर इवन, जीरो और ओड इसमें भी विभाजित कर सकता हूँ। इवन बोले तो सम, ओड बोले तो विषम। आ रहा है ना समझ में? हाँ भाई। अब आ जाओ इस पर, मतलब ये समय के विषमय मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इवन सुन लो भाई, इवन क्या होती हैं बेटा? दो से विभाजित, पॉइंट लिख लेना, दो से विभाजित, मतलब जो दो से विभाजित होती हैं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं। अब आ जाओ इस पर, ये अगला पॉइंट है भाई, दो से विभाजित ना हो, मतलब ये दो से विभाज्य ना हो, तो भाई इन्हें हम बोलेंगे ओड नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा? ओड नंबर्स। हाँ भाई, क्लियर हुआ? बताइए। अब ये कहोगे आप क्या भाई, जीरो हमारा जो है वो हमारा इवन है या ओड नंबर है? ये भी तो आप बोल सकते हो। तो सुनिए माय डियर, देखो भाई मैं आपको तरीके बताऊंगा, एक बताऊं या दो बताऊं, आपको मैं जीरो को बिल्कुल बता दूंगा कि ये हमारा इवन है या ओड है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, पॉइंट सुना रहा हूँ बेटा, माइनस आठ। जैसे ही देखो माइनस आठ है, ये बताइए इवन नंबर से या ओड नंबर, तो आप क्या बोलोगे? इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पर माइनस सिक्स लिख दूँ, इवन है ना, माइनस फोर इवन है ना, माइनस टू इवन है। अब सुनो, इससे कितना कम है? देखो भाई दो कम है ना, इसमें दो माइनस करो ये आएगा, इसमें से दो माइनस ये आएगा, मतलब दो दो कम है, ये दो कम, ये दो कम, इससे दो कम, ये इससे दो कम करूँगा, दो कम बोले तो जोड़ना। जैसे दो कम किया तो क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा, और फिर दो, फिर दो चार, मतलब डिफरेंस कितने का है? दो दो का है ना, तो भाई प्रत्येक में डिफरेंस दो का है। और देखिए ये सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इस दो के बाद डायरेक्ट आप इस दो को लिख दो, भाई बीच में क्या आएगा? जीरो आएगा ना। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या निकली? इवन की, मतलब जीरो इवन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना मैंने बोला जीरो इवन हो सकता है। अब सुनिए, अब दूसरी कंडीशन,
सपोज करो अगर आप इसे ओड मानते हो, क्या मानते हो ओड, चलो ओड के देख लो भाई, माइनस सात माइनस पाँच, दो दो का अंतर है ना, ओड संख्या है, माइनस तीन माइनस एक, तो ये माइनस एक देखो दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पर दो का डिफरेंस करूँ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा। यहाँ पर बेटा दो का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी दो का, यहाँ पर भी दो का, यहाँ पर, अब यहाँ होगा तीन, यहाँ होगा चार, मतलब देखो सब में दो का आ गया ना, तो यहाँ पर जीरो तो आया नहीं बीच में भाई, जब मैं माइनस लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ओड नहीं हो सकता, मतलब जीरो हमारा ओड नहीं हो सकता, क्या होगा इवन होगा, मतलब इवन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, समझ गए किसको भाई, इवन नंबर्स की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सुनिए दूसरा पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, एक और पॉइंट्स देखिए बेटा। हाँ भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करते चलना, ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमारी भाई सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की, जब तक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर नहीं होगा, जब तक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बोले तो संख्याओं का वर्गीकरण नहीं पता होगा तुम्हें, तो भाई आप फंस जाओगे एग्जाम में, संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। चलो भाई अगली कंडीशन देखो, एक और कंडीशन बता रहा हूँ बेटा आपको, भाई मैं यहाँ पर प्रूव करा दूंगा कि हमारा जीरो क्या है, इवन नंबर। अब देखिए बेटा यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ भाई, नोट कर लेना, अगर मैं इवन में इवन जोड़ दूँ, जैसे दो में दो जोड़ दूँ तो चार ही तो आता है, इवन ही तो आता है, मतलब इवन में इवन जोड़ दूँ तो इवन ही आएगा, ठीक है। अगर इवन में से इवन घटा दूँ, देखो सम में से सम घटा दूँ तो क्या आएगा दो, ये भी तो सम आएगा, चाहे तो बेटा जोड़ दो चाहे घटा दो, मतलब जोड़ दो इवन में इवन तो भी इवन आएगा, इवन से और इवन घटाओगे तो भी इवन बचेगा। एक और कंडीशन, छः में गुणा चार का करना कितना हो गया, चौबीस, छः चौक चौबीस, अब देखना बेटा फिर भी तो इवन है, मतलब जोड़ो घटाओ या गुणा करो फिर भी क्या आएगी वैल्यू भाई, इवन ही आएगी। अगली कंडीशन, इवन माइनस प्लस करो, पहले इवन में अगर आप और जोड़ोगे क्या वैल्यू, और चलो इवन में और जोड़ो, तो दो में एक जोड़ दो क्या आएगी, तीन आएगी ना, जैसे चार में तीन जोड़ दो सात आएगी ना, मतलब एक सम और विषम को जोड़ता हूँ तो विषम बनती है, क्या बनेगी भाई, ओड नंबर बनेगा, समझ गए। अब सुनो अगर मैं इवन से घटा दूँ ओड को, सपोज करो मैं यहाँ पर घटाता, चार में से तीन गया तो कितना बचेगा एक, या सात में से सॉरी यहाँ आठ लिखो, आठ में से तीन गया तो कितना बचेगा पाँच, मतलब ये हमारी इवन है ये हमारी ओड है, मतलब सम संख्या से विषम संख्या में घटा रहा हूँ तो क्या आ रहा है भाई, विषम नंबर सारा है, तो बेटा घटाने पर भी वही आएगा, चलो गुणा करके भी देख लो। हाँ भाई सम का गुणा मैं विषम में करूँगा तो कितना आ गया बारह, ये अलग कंडीशन है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब अगर आप इवन से ओड घटाते हो या जोड़ते हो तो ओड संख्या ही प्राप्त होती है। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई ना सभी छात्रों की। चलो भाई अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि भाई जीरो हमारा क्या नंबर्स है, ओड है या इवन है। तो देखिए माय डियर पहले इसे ही फॉलो करते हैं भाई, अगर बेटा ये इवन प्लस इवन बोले तो इवन आता है, ठीक है ये आपको पता होना चाहिए भाई। अगर मैं यहाँ पर कोई इवन नंबर्स ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है कोई भी मान सकते हो भाई, मैंने सिक्स मान लिया क्या मान लिया भाई
सिक्स मान लिया, अगर मैं सिक्स में जीरो जोड़ दूं और जीरो मेरा क्या है भाई, मुझे नहीं मालूम क्या है अभी। सिक्स में मैंने जीरो जोड़ा तो क्या आया बताइए, सिक्स आया ना, तो यहाँ पर ये इवन, तो ये भी इवन आ गया, ठीक है। तो भाई इवन मैं क्या जोड़ूं जब इवन आए, तो इवन ही तो जोड़ूंगा, तो भाई ये हमारा इवन नंबर होगा। क्या होगा माय डियर, इवन नंबर। अगर यहाँ ओड लिख देता तो रूल फेल हो जाता, क्यों भाई, नियम फेल हो जाता कि नहीं हो जाता। क्लियर आ रहा है ना समझ में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। चलो अब एक और पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो भी देख लो भाई। अगर इवन मैं ओड जोड़ दूँ, मैं क्या जोड़ दूँ बेटा, ओड, तो क्या आएगा भाई, ओड वैल्यू आएगी, पता है ना, ये पॉइंट है भाई। इवन में ओड जोड़ने से ओड वैल्यू आती है। अगर बेटा मैं इवन नंबर लिख लूँ यहाँ छः या आठ लिख लो, अगर मैं यहाँ ओड के स्थान पर जीरो लिख लूँ, क्या लिख लूँ, जीरो, मतलब मैंने इवन के स्थान पर आठ लिख लिया, परफेक्ट, पता है ना, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये मैंने जीरो मान लिया है, तो बेटा यहाँ पर आठ और जीरो जोड़ो, आठ ही तो आएगा। अब ये बताओ आठ क्या है, इवन है क्या नहीं है। अगर भाई मैं यहाँ पर इवन इसे मानना हूँ, इसे अगर मैं ओड मान लूँ कि ये हमारा विषम है, तो दोनों जोड़ के विषम आना चाहिए, लेकिन आ रहा क्या है, सम। तो बेटा ये हमारा ओड नहीं है, क्या है, इवन नंबर है, समझ गए। तो जीरो हमारा इवन नंबर की कंडीशन को फॉलो करता है, तो बेटा जीरो क्या होगा भाई, सम संख्या कहलाएगी। ये भाई एक बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना एसएससी के में, कि जीरो क्या है, ऑप्शन में आता है सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे करके, ठीक है। चलो अगला पॉइंट्स देखिए माय डियर, साथ ही साथ भाई नोट करते चलना, समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। बेटा मैं इंटीजर पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में करा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही वैसे नोट्स करते चलना भाई। इंटीजर नंबर्स हैं हमारे, जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर से बांटा, तो सपोज करो इंटीजर को मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स को बांटता हूँ भाई, बेटा इंटीजर माने होता है पूर्णांक, लिख लो बेसा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बना दिया। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ भाई, कैसे करके देखिए, ये मैंने बांटा कंपोजिट नंबर्स और ये बांटा बेटा मैंने प्राइम नंबर्स। बेटा कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे बाह्य संख्याएं, क्या होती है माय डियर, बाह्य संख्याएं, और भाई ये होते हैं हमारे अवाज्य संख्याएं। समझ गए भाई सभी छात्र, मतलब कंपोजिट नंबर्स होते हैं भाई बाह्य संख्याएं और ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत बताइए माय डियर यहाँ तक। अब सुनिए मैं आपको भाई यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। बेटा मैंने आपको भाई प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, प्राइम नंबर्स क्या होता है, बताया कि नहीं बताया, तो भाई सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में और जान लीजिए। बेटा प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं, लिख लेना पॉइंट्स में तक, वे संख्याएं जो
स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है भाई, मतलब प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं बेटा जो स्वयं से हों और एक से हों। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, अदर भी हैं बेटा। और भी भाई एक नियम है, स्टूडेंट्स कभी कभी ये बोल देते हैं कि भाई प्राइम नंबर एक क्यों नहीं है, मतलब 2 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्यों नहीं है। तो ये जान लीजिए बेटा एक क्यों नहीं होता है। अगला पॉइंट और लिख लेना इसमें, संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड। कितने बेटा? संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होना जरूरी है, होना जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा, अब मतलब कोई भी संख्या हो उसके अगर 2 फैक्टर्स हैं तो भाई वो प्राइम नंबर कहलाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 के भाई 1 होता है और एक 1 और मान लो, चलो 2 का बेटा 1 तो है ही और 2 भी है, 3 मान लो भाई 3 का 1 है और 3 भी है, 4 मान लो बेटा 4 के फैक्टर्स 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। मतलब संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड, या ऐसे लिख लो संख्या के 2 गुणनखंड होना जरूरी है। क्या है भाई? 2 गुणनखंड, या 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसे लिख लो 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं वही प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे अब सुनिए, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, 6 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। अब सुनिए माय डियर, बेटा इसका एक ही फैक्टर है भाई, एक का एक ही फैक्टर है, तो भाई ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इसके भाई एक और 2 अलग अलग फैक्टर हैं, 2 ही हैं बस, तो ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 3 वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। 4 बेटा देखिए, 1 2 3 तीन फैक्टर हो गए और मुझे ज़रूरत तो भाई 2 की होती है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है और ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में ना? ये भाई हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना। आ गया ना समझ में भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नोट कर लो भाई। चलो बेटा यहाँ पर बताता हूँ आपको अलग से, और देखो भाई मैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आज की क्लास में, बेटा ध्यान रखना संख्याओं के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है भाई आज की। ठीक है, और सुनिए बेटा, देखो ये तो आपने प्राइम नंबर्स पढ़ा है, मैं आपको को प्राइम नंबर्स और बताता हूँ। को प्राइम नंबर्स, इसे बोलते हैं बेटा हम सह अभाज्य संख्या। भाई सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये देख लीजिए बेटा। सह अभाज्य संख्या हमारी वो कहलाती है कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या हो, मतलब कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या हो जिनका मासा, बोले तो HCF एक हो। क्या हो भाई? जिनका HCF एक होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वे नेचुरल नंबर्स जिनके
वे दो लिखना, वे दो नेचुरल नंबर्स जिनके या जिनका एचसीएफ एक होता है, एक होता है, वो बेटा क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। समझ गए माय डियर? देखिए मैं आपको बताऊं और कैसे। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर 7 और 9 लिख दूं, या 4 और 3 लिख दूं, या 5 और 7 लिख दूं, या 1 और 2 लिख दूं, या 4 और 6 लिख दूं, मतलब ये मैंने संख्या बना दी अलग अलग, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखो भाई इनका एचसीएफ अगर मैं देखूं तो एक आएगा, क्यों? 7 और 9 का मासा क्या होता है? एक होता है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। और इनका भी एचसीएफ क्या होगा बेटा? एक ही होगा, तो ये भी हमारा सहवास संख्या कहलाएगी। इनका भी एचसीएफ एक, इनका भी एचसीएफ एक, इनका एचसीएफ दो, कितना माय डियर? 4 और 6 का मासा भाई 2 होता है, लेकिन है क्या प्राकृत संख्याएं? तो ये नहीं है, कोई भी आ जाए तुम आंसर लगा दो कि सहवास संख्या है। तो भाई ये हमारा मासा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो बेटा ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो है और ये भी है। समझ गए? जो होता है वो भाई मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, किसी को बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गया ना भाई पॉइंट समझ में को प्राइम नंबर्स का? और ये शायद मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक में भी बताया था। समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, चलो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए बेटा, ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही रिलेशन रखता है। एक और पॉइंट है भाई, ट्विन प्राइम नंबर्स, भाई ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती है ये देखिए बेटा। वे ट्विन प्राइम नंबर्स जो एक साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ 2 के गैप के हों और प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे देखो 2 और 3 लोग, ठीक है, 2 और 3 लोग, और ही बताऊँगा 3 और 5 लोग, 5 और 7 लोग, 7 और 9। अच्छा देखा जाए तो ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना? 1 है। लेकिन बेटा मैंने ट्विन प्राइम नंबर पूछ रहा हूँ भाई, ट्विन प्राइम नंबर। तो भाई सुनिए, देखो मैंने क्या यहाँ पर पॉइंट लिख लेना, पॉइंट्स लिख लेना भाई, ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 के अंतर में होते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जो 2 के अंतर में होते हैं, मतलब इनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। अब देखो भाई यहां पर अंतर कितने का? 1 का है कि नहीं है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब सुनिए बेटा, यहाँ पर 3 और 5 का भाई देखो लगाता रहे ना, और गैप कितने का है? 2 का, दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3 भी 5 भी प्राइम नंबर है ना, 2 का अंतर है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। आ रहा है ना समझ में? पॉइंट को समझते चलना। अब सुनिए, ये 5 और 7 है, 2 का है, प्राइम नंबर्स हैं, ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा। 2 का गैप है, हाँ भाई 7 और 9, बेटा 7 9 में 2 का गैप तो है, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है भाई। 9 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है, जैसे 11 और 13, ये हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ये हमारा 7 तो है प्राइम नंबर, 9 नहीं है भाई, तो ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा।
समझ गए ना भाई, आ रहा है ना बेटा अच्छी तरह समझ में, बताइए माय डियर, क्लियर हो गया ना। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट। बेटा मैंने पॉजिटिव इंटीजर को भाई दो पार्ट में बांटा था, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स, मतलब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाई अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर्स के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते चलना और जो भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई नोट करते चलना, ठीक है। ध्यान रखना बेटा हर क्लास भाई, जो यहाँ पर ये नंबर सिस्टम क्लास लिए इम्पोर्टेंट क्लास है भाई, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो मसला आसान नहीं, हाई लेवल से बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स अब कैसे करेंगे। तो भाई मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में बता रहा हूं भाई, किसके बारे में बेटा, कंपोजिट नंबर्स। भाई कंपोजिट नंबर्स को आप बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं भाई, भाज्य संख्या। क्लियर हुआ? अब सुनो भाई, ये तो आना जरूरी है ना कि कौन सी हमारी भाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, ये भाई बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ना। रुकिए बेटा, अब सुनिए बेटा, भाज्य संख्या का मैं एक ही पॉइंट लिखाऊंगा, वो हमारा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होगा भाई। देखिए जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई। बेटा भाज्य संख्या उन्हें कहेंगे जो खुद के अलावा कम से कम दो संख्याओं से भाज्य है। ऐसे लिख लेना, खुद के अलावा, खुद के अलावा दो संख्याओं से भाज्य है। इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर्स लिख लिया, एक लिख लिया, दो लिख लिया, तीन, चार, पांच, ऐसे लिख लिए भाई। अब बेटा मैंने बोला खुद के अलावा दो, भाई दो नंबर से भाज्य होना जरूरी है बेटा, इसके भाई इसके फैक्टर से एक ही होंगे ना, इसका फैक्टर से एक ही है स्वयं। अब देखो ये दो है, दो के फैक्टर दो होता है और एक होता है, मतलब इसके दो दो फैक्टर्स हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं, और खुद के अलावा दो होना चाहिए, ये तो स्वयं है, ये भी स्वयं, ये भी स्वयं, इसका भाई एक ही फैक्टर है, स्वयं के अलावा एक ही फैक्टर है और होने चाहिए कितने, दो। अब सुनो इसके कितने फैक्टर हैं, तीन और एक, मतलब ये तो स्वयं हो गया और ये हमारा एक ही फैक्टर बचा। अब आ जाओ चार पर, चार के बेटा फैक्टर कितने होंगे, देखो एक है, दो भी है, चार भी है, भाई चार तो स्वयं हो गया ना, चार है जो खुद वाला फैक्टर हो गया, और खुद के अलावा कितने फैक्टर्स, दो, एक और दो, है कि नहीं है। और मैंने लिखा क्या है, खुद के अलावा दो संख्याओं से कम लिख लेना, खुद के अलावा कम से कम, ऐसे और लिख लेना, कम से कम, कम से कम दो संख्याओं से भाज्य है। अब देखिए ये पांच है ना बेटा, पांच का एक और क्या होगा, पांच ही होगा भाई, ये तो स्वयं हो गया, एक फैक्टर और बचा। तो भाई देखो ये कंडीशन तो ना तो प्राइम की, जो प्राइम नंबर्स बताया उसकी को उसको भी फॉलो नहीं कर रही है। प्राइम नंबर्स में मैंने क्या बताया ये सुनिए बेटा, प्राइम नंबर्स में भी मैंने अलग कंडीशन बताई थी। प्राइम नंबर्स में मैंने ये बताया, मतलब दो संख्याओं से भाज्य होनी चाहिए, मतलब ये तो स्वयं और एक और फैक्टर होना चाहिए, जैसे एक है, दो है, तीन है, तो बेटा इसके एक ही फैक्टर है,
इसके भाई एक और दो फैक्टर हो गए, इसके एक और तीन हो गए। अब देखो मतलब इसका तो एक ही फैक्टर है ना, तो प्राइम नंबर से मैंने क्या बताया, कम से कम दो फैक्टर होना जरूरी है। इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, सॉरी इसका एक ही है, तो भाई ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा, ये प्राइम नंबर्स कहलाएगा। अब सुनो, इसके क्या है, खुद के अलावा कम से कम दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो भाई यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, मात्र स्वयं के अलावा एक ही है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स नहीं कहलाएगा। एक है बेटा भाज संख्या नहीं है भाई, दो है ना भाज संख्या नहीं है, तीन है ना भाज संख्या नहीं है, कितनी है भाई चार, चार क्या है बेटा भाज्य संख्या है, खुद के अलावा दो फैक्टर्स है कि नहीं है, ठीक है, तो चार हमारी भाज्य संख्या है, ध्यान रखना। तो भाई मैं यहाँ पर एक पॉइंट्स बना के लेके आया हूँ, तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी भाई चार होती है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है वो भी भाज्य, वो भी क्या है चार। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बन जाता है भाई कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो भाई चार ही है, ठीक है। अब आ जाओ अगला पॉइंट, सबसे छोटी विषम कौन सी बेटा, विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो बेटा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, 9 होती है, 9 से पहले कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जो हमारा कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा, मात्र 9 ही ऐसी है जो कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी। हाँ भाई क्लियर हो गया ना, बताइए बेटा कंपोजिट नंबर्स वाले पॉइंट क्लियर हो गए ना सभी छात्रों के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई, चलो क्लियर हो गया ना। आगे देखिए भाई, बेटा आज की क्लास भाई आपकी बहुत धमाकेदार रहेगी, पता तो है किसकी चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आपको नंबर्स के बारे में डिटेल बताई जा रही है भाई, और शायद ये पॉइंट्स आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। अब सुनिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट भाई हम इंटीजर पार्ट्स वाला मैंने फिनिश कर दिया है, कंपोजिट नंबर सब, प्राइम नंबर भी बता दिया। अब सुने बेटा, एक मैंने पार्ट देखो ऐसे ही तो बांटा था मैंने, मैंने भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स को मैंने रियल और इमेजिनरी, मतलब रियल और इमेजिनरी दो पार्ट से बांटा था, और भाई रियल को मैंने क्या बांटा था बताइए, इंटीजर और एक पार्ट था हमारा डेसिमल। मतलब इंटीजर और डेसिमल, मैंने बेटा आपको भाई रियल नंबर में इंटीजर्स और डेसिमल दो पार्ट्स में मैंने भाई डिवाइड किया था, तो भाई मैंने यहाँ पर इंटीजर्स पार्ट वाला फिनिश कर दिया। अब आ जाओ आप डेसिमल वाले पार्ट्स पर, कहाँ पर भाई डेसिमल वाले पार्ट्स पर। अब सुनिए भाई डेसिमल वाला पार्ट्स क्या होता है ये सुनिए बेटा, यहाँ पर नोट करते चलना भाई जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा, ध्यान रखना भाई डेसिमल वाले पॉइंट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। क्या पॉइंट्स हैं भाई डेसिमल, डेसिमल बोले तो दशमलव, सुनिए माय डियर, डेसिमल को आप दो पार्ट में बांटोगे भाई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले तो शांत, और एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग,
भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल तो शांत दशमलव होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत दशमलव। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना। अब सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। बस आपको भाई जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो क्लियर करके चलने हैं। ठीक है भाई, अब सुनिए, जो मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया है शांत दशमलव क्या होता है ये देखिए आप। जैसे मैं लिख लूं 0.15 तो ये डेसिमल में और ये शांत दशमलव हो गया, अब आगे कोई वैल्यू नहीं है तो भाई ये हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15/100, और बेटा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। और सुनिए, चलो अगला ले लेता हूँ 0.4, इसे मैं भाई 4/10 लिख सकता हूँ, कट करेंगे तो 2/5, समझ गए। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। और भी बताऊँ, चलो 0.3333, ये मत देख लेना, ये भाई शांत नहीं है, ये कहाँ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, ये वाला पॉइंट्स आएगा। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लेना है, बस जो मैं बताता जा रहा हूँ वो ही आप क्लियर करते चलिए। चलो अगला पॉइंट्स देखें, जैसे 0.55 लिखा है तो इसे भाई मैं 55/100 लिख सकता हूँ, 5 से कट करूँगा 20 बार। बेटा यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि ये जो वैल्यू आ रही हैं ये सभी की सभी हमारी P/Q वाली फॉर्म में है कि नहीं है, P/Q वाली फॉर्म में है। और भाई यहाँ से हमारी एक नंबर्स की और उत्पत्ति होती है, और भाई एक नंबर्स क्या कहलाता है वो सुनिए आप। अगर बेटा ये नंबर्स आ जाएं, मतलब जिस क्या भाई शांत दशमलव को ही हम क्या बोल सकते हैं बताओ, रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे भाई, रेशनल नंबर्स। सुनो अब, मतलब P/Q में है ना, रेशनल नंबर्स क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है ना भाई यहां तक, P/Q में है ना। ठीक है, हाँ भाई यहाँ पर एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, पी और क्यू इंटीजर पार्ट्स होना जरूरी है। क्या बेटा, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू होना जरूरी है भाई, पी और क्यू मतलब ये दोनों पूर्णांक मान होना चाहिए। ठीक है, और सुनिए अगला पॉइंट, क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो, मतलब क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ भाई यहाँ पर क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बेटा ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो भाई हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या कहलाएगा बताओ, रेशनल नंबर्स। तो भाई रेशनल नंबर्स समझ में आ गया, तीन कंडीशन होती हैं, पी क्यू इंटीजर पार्ट्स, P/Q फॉर्म में, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब भाई आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ चुके हो, अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं भाई अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं बेटा, अशांत दशमलव। हाँ भाई दिख रहा है ना, देखना भाई दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, अब सुनिए बेटा, इसको भाई मैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता हूँ, किसको भाई बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो भाई दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो बेटा रिपीटिंग, एक तो रिपीटिंग डेसिमल, या ऐसे बोल सकते हो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग लिख लेना आप, इसे हिंदी में बोल सकते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। और एक होता है नॉन रिपीटिंग,
रिपीटिंग लिख लो, ठीक है। अब सुनो भाई, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए बेटा। आसान दशमलव में की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से रिपीट होते हैं, कौन कौन से नहीं रिपीट होते हैं। जैसे मैं लिख लूँ 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, जा रहा है बार बार, आंगे तक बढ़ रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटिंग कहलाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्लियर है ना। चलो इसे भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/9 मतलब द्वारा से बता देता हूँ, चलो यहाँ से लेता हूँ 0.333 बोले तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 पर बार लगा सकता हूँ, और इसे भी लिख सकता हूँ 3/9, क्लियर। अब सुनो अगला पॉइंट और देखिए 0.555, तो भाई इसे मैं ले सकता हूँ 0.5 पर बार, क्योंकि ये वैल्यू बार बार चल रही है और वो भी रिपीटिंग हो रही है। तो भाई इसे मैं ले सकता हूँ 5/9, क्योंकि एक बार का बेस में 9 हो जाता है। अब सुनिए तो भाई ये भी हमारी P/Q वाली फॉर्म में है कि नहीं है, तो बेटा ये भी पार्ट हमारा, ये पार्ट है ना किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिपीटिंग पार्ट है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स। भाई इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, किस वाले पार्ट को, रिपीटिंग वाले पार्ट को, समझ गए ना। हाँ भाई, हाँ भाई क्लियर हो गया बेटा। रिपीटिंग वाला जो पॉइंट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, उसे भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्लियर है ना। अब सुनिए, अब आ जाओ भाई नॉन रिपीटिंग पर। बेटा नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये बताइए पहले दिख रहा है ना। हाँ भाई यहाँ तक लिख दूँ, चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है बेटा। इसे अब पुनरावृत्ति बोलेंगे नॉन रिपीटिंग को। देखो करते कैसे हैं, यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल के आएगा और वो आप जानते हो। देखिए जैसे मैं लिख लूँ 0.3215 मतलब रिपीट तो हो रहा है, सॉरी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत तो है, अशांत का मतलब होता है वैल्यू आगे जाती जा रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर नॉन रिपीट मतलब कोई वैल्यू, जैसे 3-3 रिपीट हो रहा है ना, 5-5-5, तो ऐसे यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो भाई और भी वैल्यू लिख दूँ, 0.52137 मतलब आगे जा रहा है, आगे पता ही नहीं है मान क्या आ रहा है। तो भाई यहाँ से हमें एक पार्ट और मिलता है, और भाई वो पार्ट क्या है बताइए माई डियर स्टूडेंट्स। ये तो भाई आपने रेशनल पढ़ा, तो एक और पार्ट है यहाँ पर इरेशनल। क्या बोलेंगे भाई, इरेशनल। इरेशनल बोले तो अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है भाई। मतलब ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या कहलाता है। कभी ये मत बोल देना कि ये वाला पार्ट पूरा रेशनल, ये रेशनल और ये इरेशनल कहलाएगा, ऐसा नहीं है भाई। इसमें भी जाके अंदर दो पार्ट बनते हैं, उसका एक पार्ट कहलाता है मात्र क्या भाई, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक बताइए माई डियर। अब आ जाओ भाई, थोड़ी सी और हिंट देता हूँ मैं तुम्हें बेटा, आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ भाई चलो और भी मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास की, भाई पूरा एक्सप्लेन मिल रहा है ना, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ भाई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, चलो अब देखिए भाई अगला पॉइंट। बेटा अगला पॉइंट परिमेय बोले तो रेशनल, अपरिमेय बोले तो इरेशनल,
सुनो माय डियर, बेटा दोनों में अंतर क्या होता है ये देखिए भाई। यहाँ पर p अपॉन q वाली फॉर्म में होंगी और यहाँ पर p अपॉन q वाली फॉर्म में नहीं होंगी, ठीक है। मतलब ये p अपॉन q के बराबर नहीं होंगी। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर एक बटे दो लिखा है, दो बटे तीन लिखा है, चार बटे पाँच लिखा है या चार बटे चार लिखा है, अरे यार जो भिन्न रूप होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू में होती हैं, वो सारी की सारी संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और भाई जो फ्रैक्शन में नहीं बने, जैसे आप ये बोलोगे भाई दो की फ्रैक्शन क्या होगी, दो की फ्रैक्शन को चार बटे दो भी लिख सकता हूँ बेटा। दो के मान को भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ चार बटे दो, तो भाई दो भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। अब सुनो, अपरिमेय संख्या एक कंडीशन सुन ले बेटा, पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7। बेटा ये पाई बराबर 22/7 जो हम लिखते हैं, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ गए। अब सुनिए, पाई बराबर एग्जैक्ट में ये मान नहीं है, मतलब ये उसके लगभग के बराबर मान है, मतलब 22/7 लगभग के बराबर मान है। बेटा यहाँ पर पाई क्या कहलाएगी ये सुनो, पाई हमारा कहलाता है अपरिमेय, अपरिमेय। लेकिन 22/7 क्या कहलाएगा, परिमेय, समझ गए ना। तो बेटा पाई बराबर 22/7 आपको दिखता है, लेकिन दोनों मान एक परिमेय और एक अपरिमेय कहलाता है। क्लियर हो गया भाई, बताइए माय डियर, समझ गए ना। अब सुनिए एक और पॉइंट्स। हाँ भाई, अगला पॉइंट्स देखिए, बेटा आपको जैसे रूट थ्री मिल जाए, रूट फाइव मिल जाए, रूट इलेवन मिल जाए, अरे यार जिनका जो मान एग्जैक्ट परफेक्ट मान ना निकले, हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट मान कितना है इसका, तो भाई वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, समझ गए ना। अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई आपको। अब सुनिए अगला पॉइंट्स, बेटा आपने कभी पढ़ा होगा संयुक्त संख्या, पढ़ा है ना भाई, बताइए संयुक्त संख्या। भाई संयुक्त संख्या क्या होती है, सुनिए अब बेटा, संयुक्त संख्या को हम क्या बोलते हैं ये देखिए। जैसे मैं लिख लूँ 2 सही 1/3 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया माय डियर, 2 सही 1/3। इसको आप लिख सकते हो, देखना कैसे लिख सकते हो, 2-1/3 या 2+1/3 या 2×1/3। ये मैंने तीन रूप बना दिए भाई इसके, कितने बना दिए, तीन। अगर देखो आपको बेटा मैं यहाँ पर भाई क्यों बता रहा हूँ ये कंडीशन, क्योंकि अक्सर करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भाई छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। जैसे 2 सही 1/3 लिखा है, स्टूडेंट क्या सोचेगा, सबसे पहले जो न्यू होगा प्रेशर है तो ये आंसर लगाएगा, लेकिन भाई 2 सही 1/3 का मतलब ये नहीं होता है, ये रॉन्ग है, और ना माइनस वाला होता है, भाई इसका क्या आंसर होगा, प्लस वाला, 2+1/3 मतलब 2 सही, 2 पूर्णांक वैल्यू है और ये हमारी भिन्न वैल्यू है, तो भाई हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं संयुक्त संख्या। ये तो भाई हमारा होता है पूर्णांक और ये होता है भिन्न। बेटा पूर्णांक प्लस भिन्न दोनों का संयुक्त संख्या कहलाती है रूप, ठीक है। क्लियर हो गया भाई ये भी पॉइंट, बताइए माय डियर। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई संयुक्त संख्या क्लियर हो गया बेटा पॉइंट्स। अब सुनो भाई एक और पॉइंट्स बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ध्यान रखना, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं भाई परिपूर्ण संख्या,
क्या बोलते हैं बेटा? परिपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, ठीक है, दोनों पॉइंट्स लिख लेना। और भाई परपेक्स नंबर क्या होता है ये देखिए बेटा, परपेक्स नंबर को हम बोल सकते हैं एक धनात्मक पूर्णांक है जो जो धनात्मक विभाजकों के योग के बराबर है। मतलब ऐसे लिख सकते हो, एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक विभाजकों के योग के बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो संख्या को छोड़कर। यहाँ लिख लेना बेटा, संख्या को छोड़कर। अब सुनिए, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैं उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी गुणनखंड होते हैं या विभाजक होते हैं या डिवाइजर होते हैं, उनका योग कर दूं, उनका योग कर दूं, तो वो बराबर होना चाहिए, लेकिन जो संख्या है ना उसे छोड़ दो बस। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ बेटा 3, तो भाई 3 के फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। अब देखिए 3 के फैक्टर्स 1 और 3 बेटा, इसको मैं संख्या है ना, तो संख्या मैंने छोड़ दी, तो भाई क्या है, वही तो है, तो ये परफेक्ट नंबर्स नहीं है, समझ गए ना। अब सुनो, जैसे मैंने 4 ले लिया, तो भाई 4 के डिवाइजर देखेंगे या फैक्टर्स देखेंगे, एक होता है 2 और 4, मतलब इसने बोला है संख्या को छोड़ दो बेटा, ये टोटल डिवाइजर है इसके, संख्या क्या है 4, तो 4 मैंने छोड़ दी, अब इनको जोड़ना, अब इनको जोड़ना कितना बैठ रहा है 3 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। अब सुनो भाई अगला पॉइंट 6 बेटा, 6 को भाई 6 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, मतलब ये चारों संख्याओं से ये विभाजित होती है कि नहीं होती है 6, ठीक है। तो भाई इसने बोला है संख्या को छोड़कर, संख्या मैंने छोड़ दी, अब इनको ऐड करना कितना हो रहा है, 6 है कि नहीं है, ये 6, मतलब मात्र मैंने संख्या को छोड़ा है और जितने भी उसके धनात्मक विभाजक हैं मैंने सारे के सारे जोड़े, तो वो संख्या के बराबर बैठे, तो भाई ये हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? परिपूर्ण संख्या। और भी एग्जाम्पल 28 बेटा, 28 के डिवाइजर 1 होता है, 2 होता है और 3 नहीं होता बेटा, 4, हाँ 4 होता है भाई, 7 होता है, 14 होता है, 28 होता है, ये इसके डिवाइजर है भाई, मैंने ये संख्या छोड़ दी, इनको अगर मैं यहाँ पर जोड़ लूँ तो ये 28 ही बैठेगा, तो भाई ये भी हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। तो भाई यहाँ पर बेटा आपको क्या पता चला भाई, परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी हो गई ना भाई, ये इसी बेटा इस वाली डेफिनेशन से CGL मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ध्यान रखना, SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, उसमें इस वाली इस कंडीशन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए, तो भाई यहाँ पर आपको क्या पता लगा बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई, 6 है, क्या बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या भाई, मात्र 6 है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है भाई, 6। कभी कभी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है ऐसे भी भाई, ध्यान रखना कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है, तो बेटा 6 है, समझ गए भाई डियर स्टूडेंट्स। हाँ भाई क्लियर हो गया, बताइए पॉइंट्स, जितने जो आज की क्लास में सारे पॉइंट्स कराए थे सभी क्लियर हो गए ना सभी छात्रों के, और भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो बाद में जुड़े हुए हैं वो भाई सभी एक बार क्लास बेटा दोबारा से लेना इसी वाली को, और जो पहले से ले चुके हैं भाई मैं आप सभी छात्रों से बोलूँगा कम से कम 2 बार ये क्लास लेनी है आपको, जब ही जाकर आपकी ये क्लास बिल्कुल कंप्लीट होगी।
अब भाई एक बार अगर आप कंप्लीट करोगे तो किसी भी टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ गए माई डियर स्टूडेंट्स। तो भाई मैं आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करता हूँ, और भाई आप सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद।